आज हम करने जा रहे हैं पोइम फ्रॉम आई एक्सप्लेन ए फ्यू थिंग्स जो कि पैब्लो नेरुडा द्वारा लिखी गई है। चलिए शुरू करते हैं। आई लिव्ड इन ए क्वार्टर इन मैड्रिड विद बेल्स विद क्लॉक्स विद ट्रीज फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ड्राई फेस ऑफ कैस्टाइल लाइक ए सी ऑफ लेदर। पोइट जो है वो स्पेन में रहता था, जो जगह का नाम था वो मैड्रिड था। उसने बोला आई लिव्ड इन द क्वार्टर इन मैड्रिड, वो कहता है जो मेरा घर था वो मैड्रिड में था जो कि स्पेन की राजधानी थी। हर तरफ का दृश्य बड़ा ही प्यारा था, जो आसपास की चीजें थी जैसे कि गिरजाघर की घंटियां और हर तरफ बड़ी बड़ी घड़ियां लगी हुई थी विद ट्रीज, हर तरफ पेड़ ही पेड़ लगे थे। ये सब चीजें उस जगह का दृश्य बड़ा ही सुंदर बनाती थी। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ड्राई फेस ऑफ कैस्टिल, और ये एक ऐसी जगह थी जहां से हम कैस्टाइल का दृश्य बड़ी अच्छी तरह से देख सकते थे। कैस्टाइल एक जगह थी जो एक पठार की तरह बनी हुई थी, जो कि वहां से उसका दृश्य बड़ा ही प्यारा दिखता था। वो इस तरह से दिखता था जैसे कि लेदर का कोई समुंदर होता है, लाइक ए सी ऑफ लेदर, लेदर का कोई समुंदर होता है। माय हाउस वाज नेम्ड, उसके जो घर का नाम था वो कहता है माय हाउस वाज नेम्ड द हाउस ऑफ द फ्लावर्स बिकॉज एवरीवेयर ग्रास सीम्स एक्सप्लोडिंग। कहता है मेरे घर में हर तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स खिले हुए थे, इसलिए मेरे घर का नाम फूलों वाला घर था। हर तरफ कौन से वाले फ्लावर्स खिले हुए थे? ग्रासिन से फ्लावर हर तरफ खिले हुए थे। इट वॉज ए ब्यूटिफुल हाउस विद डॉग्स एंड लिटिल चिल्ड्रन, मेरा घर इतना प्यारा था कि हर तरफ आपको छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे दिखेंगे खेलते हुए, और हर आस पास छोटे छोटे बच्चे भी खेलते रहते थे जिससे कि हर तरफ का माहौल बड़ा ही सुंदर था। और ऑल डू एग्री जू एग्री रिफल फेडरिको जू एग्री विनर से दी अर्थ, वो अपने जो फ्रेंड्स हैं जैसे ये कवि थे वो भी एक कवि थे, वो अपने फ्रेंड से पूछता है रॉल से रियफल से फ्रेडरिको, क्या तुम मेरे इस बात से सहमत करते हो कि जो ये दृश्य था जहां मेरा घर था ये जो जगह थी बड़ी ही सुंदर थी। विनर्थ दी अर्थ, विनर्थ होता है धरती के नीचे, क्योंकि उसके जो जो फ्रेंड्स थे वो अब मर चुके थे और उनको धरती के नीचे दफना दिया गया था। वो उनसे बात कर रहा है, वो कहता है कि क्या तुम भी एग्री करते हो कि ये जगह इतनी ही सुंदर थी। जू एग्री अबाउट माई हाउस विद बालकोनीज वेयर द लाइट ऑफ द जून ड्रॉन फ्लावर्स इन योर माउथ, वो कहता है क्या तुम इस बात से एग्री करते हो कि जो जो मेरा घर था उसकी बालकोनी में जो जून की जो गर्मी थी इतने फ्लावर्स उग जाते थे कि लोगों के मुंह के ऊपर गिरते थे, मतलब इतना सुंदर उसका घर था। ब्रदर ब्रदर, अपने फ्रेंड्स को ही बोलता है ब्रदर ब्रदर, द बिल्ड ऑफ द रूट्स विद अ कोल्ड सन ऑन विच द वेदर वेन टायर्स, वो कहता है अगर मैं अपने छत मेरे घर का छत था शीत ऋतु में उस वहां से उसका दृश्य इतना सुंदर दिखता था कि जब हम छत से चढ़ते थे द फाइन फ्रीजेंड आइवरी ऑफ द पोटैटोस टमेटो मल्टीप्लाइड डाउन टू द सी, हम अपने छत के ऊपर से जो भी जो फसलें थी पोटैटोस की टमेटोस की सी की तरह मल्टीप्लाई होती हुई इतनी प्यारी दिखती कि हर तरफ ऐसे लग रहा था कि इस फसलों ने पूरी धरती को ही कवर कर लिया है। एंड वन मॉर्निंग ऑल ऑफ दैट बर्न्ड एंड वन मॉर्निंग द बोनाफायर्स लेफ्ट फ्रॉम द अर्थ डिवोरिंग बींग्स, और एक दिन अचानक क्या हो जाता है इन लाइनों में कभी ये बताने की कोशिश करता है कि जो स्पेन का जो शांति पूर्वक जो दृश्य था वो सब एक दिन क्या हो जाता है नष्ट हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। होता क्या है वहां पे, जब अचानक आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगती है, बोनाफायर्स हो गया, आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगती है, और ये लपटें आकाश में इतनी ऊंची उठ रही थी कि इनकी इसने इतने लोगों को कि इस आग ने इन लोगों को निगल ही लिया। उस पल से लेकर हर जगह आग और बारूद ही फैला हुआ था, हर तरफ आग ही आग लगी थी, ऐसे लगता था कि हर तरफ बारूद ही बारूद है। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट फायर गन पाउडर फ्रॉम दैट मोमेंट, हुआ क्या था वहां पे एक लड़ाई शुरू हो गई थी जो कि अफ्रीकन लोग थे जिनको जो उनकी प्रजाति थी उनको मोर्स बोलते थे। टक्स विद प्लेन्स एंड द मोर्स टक्स विद सिग्नेट रिंग्स एंड दिस
टक्स विद ब्लैक फियर्स प्लेसिंग्स, जो थे वहां उसी पल से लेकर हर जगह आग और बारूद फटने लगा था, जैसे कि जहां पे बोला गया है। भयानक अपराधी जो कि अफ्रीका के मोर कबीले के रहने वाले थे, आपको बताया कि मैंने अफ्रीका के जो मोर है कबीले का नाम है, जो कि हवाई जहाजों के द्वारा प्लेन्स और हवाई जहाजों के द्वारा वहां आते थे और लोगों को मारकर वहां से भाग जाते थे। उनके बीच में बड़े बड़े बड़ी बड़ी जैसे सिग्नेट रिंग्स मैंने, बड़ी बड़ी अमीर औरतें भी होती थी जो भी वो भी ऐसे ही करते थे, वो उन लोगों को लूटते थे और फिर वहां से भाग जाते थे। Came from the sky to laughter children and through the streets the blood of the children flowed easily like the blood of the children। वहां पे फिर क्या होता था कि वे लटोरे और लुटेरे और बदमाश उनको लूटते और वहां से उनको मार के चले जाते थे, और उनके पास जहाज होते थे, उनको कोई पकड़ भी नहीं सकता था, और हर तरफ फिर बच्चों का खून, गोलियां मार मार कर उनको जो मारा गया था बच्चों को, उनके बच्चों का खून हर तरफ गलियों में बहता हुआ दिखता था। फ्लोड इजली लाइक द ब्लड ऑफ द चिल्ड्रन। जेकाल्स एट द जेकाल्स वुड ड्राइव अवे। जेकाल्स होते हैं सिगार, जहां पे जेकाल्स बोलने का मतलब कि सिगार जो होते हैं जानवर है सिगार, कि मकार लोग, इतने ही कोई मकार लोग होते जो उनको वहां से भगा पाते। मगर उसने कहा स्पेन के लोग ऐसे नहीं थे, स्पेन के लोग बड़े अच्छे थे, वो इनकी तरह जेकाल्स नहीं बन सकते थे, इसलिए उनके लिए पॉसिबल नहीं था इन लोगों को वहां से भगा देना। स्टोन्स डेट द ड्राई कैस्टल वुड बाइट एंड स्पिट आउट। जे इस तरह के लोग थे कि अगर पत्थर भी, पत्थर द स्टोन्स डेट द ड्राई कैस्टल, कि वे ऐसे पत्थर थे जिन्हें खूनी झाड़ियां, थिस्टल की झाड़ियां, खूनी झाड़ियां भी काटने से डरती थी। वाइपर्स डेट द वाइपर्स वुड हेट। वाइपर्स होते हैं सांप। उसने कहा जी एक ऐसे सबसे जहरीला सांप जो है इस धरती में, उसका नाम वाइपर है। वाइपर्स एंड वाइपर्स, उसने कहा जे एक इतने मकार लोग थे कि अगर वो इतना जहरीला सांप भी जो इस धरती का, वो भी उनसे नफरत करेगा। अपोज्ड टू जो आई हैव सीन द ब्लड ऑफ द स्पेन अराइज अप टू ड्रॉन यू इन ए सिंगल वे, टू ड्रॉन यू इन ए सिंगल वे ऑफ प्राइड एंड नाइफ जर्नल्स ट्रेडर्स कंसीडर माई डेड हाउस कंसीडर स्पेन ब्रोकन। जहां कभी कहता है कि उसने स्पेन का बहता हुआ ब्लड देखा है, वो जो खूंखार आतंकवादी थे, क्रांतिकारी थे, एक्चुअली वहां पे ग्रह युद्ध चल रहा था स्पेन में और हर तरफ खून ही खून बह रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उसने कहा वो क्रांतिकारी भयानक तबाही मचा रहे थे और लोगों को मारते हुए जा रहे थे। उसके मारे हुए लोगों में उसके कई मित्र भी थे, जब सारी लड़ाई चल रही थी उसके कई मित्र भी मारे गए, जैसे कि उसने सपैरे में बताया है रॉयल रेफ्यू फ्रेडिको बिनर्थ दर्थ लिखा था कि अब तुम मर चुके हो और धरती के अंदर दफनाए जा चुके हो। तो वो उसके फ्रेंड्स भी इस लड़ाई में मारे जा चुके थे। निर्दय क्रांतिकारियों ने पूरे स्पेन को खून में डुबो दिया था। स्पेन राइजअप मीन्स पूरा स्पेन जो था वो खून में डूब गया था, और वो इतने घमंडी थे कि हर तरफ कहीं से आते थे और प्राइड मैंने घमंडी थे और चाकू चूरों से लोगों को मारते थे और उनको कोई भी तरस किसी पे नहीं आता था। वो कहता है जो जनरल स्टेटस मैंने जो जनरल्स वगैरह थे जो आर्मी के, वे उनके पेश में आते थे, वो गद्दार लोग थे, और कवि ने उस कवि का जो अपना घर था वो भी पूरी तरह से टूट गया था। कंसीडर माई डैड हाउस, कवि का जो इतना सुंदर घर था जिसके बारे में उसने उस पैसेज में स्टैंजा में बताया है कि कितना सुंदर जगह थी, वो सब टूट चुका था। कंसीडर स्पेन ब्रोकन, इस तरह के जो पूरे शहर था स्पेन वो भी टूट चुका था। कभी कहता है उस वक्त मैं अपने घर पे नहीं था, मैं घर से कहीं गया हुआ था, और जब मैं वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरा घर भी पूरा तहस नहस हो चुका है। बट फ्रॉम एवरी डेड हाउस बर्निंग मेटल फ्लोज। अब इन घरों से ऐसा लगता था कि लावा बह रहा है, मतलब खून इस तरह से बह रहा था कि जैसे लगता था कि हर तरफ लावा ही लावा बह रहा है। इन प्लेस ऑफ फ्लावर्स बट फ्रॉम एवरी हॉलो ऑफ स्पेन स्पेन राइजेस। मगर कवि को अब ये आशा थी कि इस तबाही के बावजूद, कवि के अपने दिल में एक पक्की आशा थी, उसको विश्वास था कि स्पेन के हर घर से अब फूलों की जगह, इन प्लेस ऑफ फ्लावर्स मैंने इन फूलों की जगह अब क्या उठेंगे, एक भयानक शक्ति उत्पन्न होगी जिस जो कि इस स्पेन को खत्म कर देगी।
कभी कहता है कि अब स्पेन में हर जगह का वो होगा, एक बगावत पैदा होगी स्पेन राइसेस। मैंने अब स्पेन के लोग भी बोलेंगे क्योंकि हम सिर्फ लड़ाई लड़ाई हो कितनी देर चुप रहेंगे। बट फ्रॉम एवरी डेड चाइल्ड राइजेस ए गन विद आईज, बट फ्रॉम एवरी क्राइम आर बॉर्न बुलेट्स डेड विल फाइंड आउट जो वन डे इन द हाउस ऑफ द गॉड। प्रत्येक मृत व्यक्ति जो हर एक बच्चा जो मर चुका है, अब उसको लगता है उसकी जगह एक बच्चा पैदा होगा जिसके हाथ में बंदूक लिए हुए हर एक बच्चे का जन्म होगा, तथा प्रत्येक अपराध के उत्तर के रूप में वहां अपने हाथों से गोलियां लिए हुए बच्चों का जन्म होगा। फ्रॉम एवरी क्राइम आर बॉर्न बुलेट्स, जितने भी ये जो क्राइम हुए हैं वहां पे उनकी जगह आपको पैदा होंगे क्या, बुलेट्स गोलियां पैदा होंगी उसको लगता था, तथा प्रत्येक अपराध के उत्तर में गोलियों से लोग उनका उत्तर देंगे। अब ये सब चीजें उनके जो स्पेन के लोग थे उनके दिलों में ये सब चीजें पैदा हो चुकी हैं। अब वो भी उठेंगे बोलेंगे और सर तरफ लड़ाई लड़ाई होगी। टू बी लास्ट बाय हिज पोएट्री हैज नथिंग ऑफ द अर्थ ऑफ द लीव्स। आज पोइट कहता है कि अब आप जब पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते मेरा जो मतलब पहले मैंने सब कुछ नेचर के बारे में बोला कि हर तरफ सुंदर ही सुंदर चीजें थी, उसके बाद मेरा टॉपिक जो है एकदम से चेंज हो जाता है। उसके बाद जब ये टॉपिक चेंज हो जाता है, इसके बाद मैंने जो भी पोइम्स लिखी मैंने नेचर के बारे में नहीं लिखी। इवन कि मैं एक नेचर पोइट था फिर भी मैंने नेचर के बारे में नहीं लिखी। क्यों नहीं लिखी? अब मेरे दिल में ये जो मैंने सब चीजें देखी, ये दृश्य देखा, उसके बाद जो मेरी पोइट्री का जो थीम है वो एकदम से चेंज हो गया है। यू विल आस्क व्हाई हिज पोइट्री हैज नथिंग ऑफ द अर्थ, कि मेरी पोइट्री में अब अर्थ की बातें हैं, लीव्स की बातें, पत्तों की बातें हैं। ऑफ ग्रेट बेलकोनस ऑफ हिज नेटिव कंट्री, जब मैं पहले लिखता था उन ज्वालामुखियों के बारे में, बड़े बड़े ज्वालामुखियों में जो कि उसके नेटिव कंट्री के थे, जो उसकी अपनी कंट्री के देश में होते थे, उनको देखता था और उसके बारे में पोइम्स लिखता था। मगर अब जैसे सब चीजें चेंज हो गई, मेरी पोइम्स का जो थीम था वो बदल गया है। कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, कम एंड सी, वो कहता है तुम भी कभी यहाँ स्पेन में आओ और देखो कि खून कहाँ कैसे बह रहा है जहाँ पे, तभी तुम जान पाओगे कि मेरी पोइट्री का जो थीम था वो इस तरह से चेंज हो गया है। कम एंड सी, आओ और देखो, द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, खून बहता हुआ इन गलियों में, कम एंड सी द ब्लड थ्रू द स्ट्रीट्स, आओ देखो, वो बार बार बोलता है आओ देखो, तभी तुम्हें मेरे अंदर के जो दुख है, मेरे अंदर का जो दुख है तुम तभी समझ पाओगे जब तुम जहाँ आओगे और तुम देखोगे कि हर तरफ जहाँ पे खून ही खून है, छोटे छोटे बच्चों का खून बह रहा है, तो मैं कैसे इन सब चीजों को नजरअंदाज करते हुए किसी और चीज के बारे में लिख सकता हूँ। इसी के साथ हमारी ये पोइम फ्रॉम आई एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स खत्म हो गई है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। अगर आपको किसी और टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कीजिए, मैंने वहाँ लिंक्स डाल रखे हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।